नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेकर, और आज की इस वीडियो में मल्टीपल टाइम तेजस को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम तेजस की एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मल्टीपल टाइम तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर खबर सामने आ चुका है, जिसमें मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को एक्सपोर्ट करने की खबर सामने आई थी, और इन देशों की तरफ से फ्लोट किए गए टेंडर में तेजस को ऑफर किया गया था, ऐसा HAL की तरफ से कन्फर्म किया गया। लेकिन आज एक खबर सामने आया था जिसमें यह बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से फ्लोट किए गए मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में अभी तेजस को बाहर कर दिया गया, और इसमें फिलीपींस की तरफ से अपनी आखिरी राउंड में F-16 ब्लॉक 52 और ग्रिपन सी और डी वर्जन को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसको लेकर 6 जून को ही फिलीपींस की तरफ से एक प्रेस रिलीज को इशू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस टेंडर में अभी F-16 और ग्रिपन को ही आखिरी राउंड में सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह कि इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि इसमें फिलीपींस को F-16 और ग्रिपन के अलावा कोई और जेट ऑफर किया गया था या ऑफर नहीं किया गया था, यानी कि इस टेंडर में F-16 और ग्रिपन के अलावा कोई और पार्टिसिपेंट मौजूद था या नहीं, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया था। लेकिन इसमें अभी जबरदस्ती तेजस के नाम को इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है कि इसमें तेजस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से लगातार तेजस को लेके जो पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही थी, उसकी वजह से अभी तेजस के कुछ हेटर्स हैं जिनके द्वारा अभी नेगेटिव न्यूज को पब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है, और उनका तर्क ये कि मई 2022 में फिलीपींस और भारत के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसमें फिलीपींस भारत से आगे चल के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने वाला, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि इसमें भारत ने तेजस को ऑफर किया था जिसे फिलीपींस की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। जबकि असल बात तो ये है कि अभी तक ऑफिशियली भारत ने तेजस को फिलीपींस को ऑफर नहीं किया था, यानी कि जिस टेंडर की बात चल रही थी इसमें तेजस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये काफी पुराना टेंडर है। और आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि 22 मई 2022 को भारत और फिलीपींस के बीच MOU को साइन किया गया था, और 6 जून 2022 को फिलीपींस की तरफ से अनाउंस किया गया था कि उनके स्टैंडर्ड में F-16 और ग्रिपन को सिलेक्ट किया जा रहा है, और इतने कम वक्त में कोई भी देश नहीं है जो कि एक एयरक्राफ्ट को विलेट कर सकता है। और 22 मई को जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके चलते फिलीपींस आने वाले वक्त में भारत से हेलीकॉप्टर्स को, एयरक्राफ्ट्स को और मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने वाला है, और इसके अंदर फिलीपींस को अभी वर्वली तेजस को ऑफर किया गया जिसका इस टेंडर के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि फिलीपींस अभी मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर से तेजस को बाहर कर रहा है, तो ये फैक्चुअली गलत होने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, आप सबको पता होगा कि पिछले 2 साल से या उससे भी ज्यादा समय हो चुका है कि चाइना और भारत के बीच लद्दाख में फेसअप चल रहा है, और दोनों देशों की तरफ से अभी लद्दाख में हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखा गया। अब हालांकि शुरुआत में मामला थोड़ा गर्म चल रहा था, लेकिन अभी ये धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी भी चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को इंडियन बॉर्डर के करीब भेजने की कोशिश नहीं किया गया था। और आप सब जानते हैं कि चाइना जिन भी देशों के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, और वो बार बार उनकी एयर स्पेस को वायलेट करने के साथ साथ अपनी छोटी बड़ी फॉर्मेशन के साथ अपनी एयरक्राफ्ट को लगातार टाइम टू टाइम वहां पे भेजने की कोशिश करता है या फिर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, चाहे वो मलेशिया हो जाए, ताइवान हो जाए या फिलीपींस हो जाए। लेकिन आज तक कभी भी चाइना की तरफ से इंडियन एयर स्पेस में घुसपैठ करने की अपनी फाइटर जेट को भेजने की कोशिश नहीं किया गया था, लेकिन अभी पहली बार ऐसा देखा गया कि चाइना की तरफ से अपनी फाइटर जेट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब तक भेजा जा रहा है, जिसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी, और फिर उसके बाद चाइना के जो एयरक्राफ्ट थे उनके एयर स्पेस में डीप चले गए थे। वैसे ये पहली बार था जहां पर चाइना की एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, और इसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना की तरफ से किए जाने वाले पहली पॉसिबल एयर स्पेस वायोलेशन के नाम दिया जा रहा है। अब ये तरीके से एक संकेत हो सकता है कि आगे चल के शायद चाइना इनको दोहराने वाला है, क्योंकि ये चीज वो लगातार बेसिस पर साउथ चाइना सी रीजन में करते आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के वो सेम चीज को भारत के साथ भी करना शुरू कर सकते हैं। अगला अपडेट तिब्बत की स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को लेकर, आप सबको ये बात पता होगा कि 1 या 2 दिन पहले
दलाई लामा जी का जन्मदिन था, जो कि उनका 87th बर्थडे था, जिस अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी और उनके बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ था और कुछ बात भी हुई थी। और आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाइना किस तरीके से तिब्बत के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया था, लेकिन इस बात को तिब्बत के लोग अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे और अभी चाइना स्पिरिचुअल लेवल में तिब्बत के लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो अपने हिसाब से एक दलाई लामा को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करे और उनके इशारों पे नाचते रहे। और ये जो रियल दलाई लामा है उनको चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जब से चाइना ने तिब्बत पर हमला किया था तब से दलाई लामा भारत चले आए थे और जब भी दलाई लामा के साथ भारत का कोई इंटरेक्शन होता है या कोई भी भारत के बड़े ऑफिशियल जाके उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो इसका चाइना विरोध करता है। और अभी भी वैसा ही कुछ हुआ है जहां पर चाइना की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी का दलाई लामा के जन्मदिन पर उनको बधाई देने को लेके विरोध किया जा रहा है। और चाइना का ये कहना है और चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है जाय लुजियान, उनका यह कहना है कि भारत चाइना के खिलाफ यहाँ पे सेपरेस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है, जबकि सेम बात को लेके भारत की तरफ से क्लैरिफाई किया गया कि इसमें किसी भी देश के खिलाफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दलाई लामा पूरे तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं तो इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये कि अभी वर्तमान के दलाई लामा के बाद चाइना अपने तरफ से दलाई लामा को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के दलाई लामा के मुताबिक, उनके भविष्यवाणी के मुताबिक जो नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा वो भारत से होने वाला है और इसी बात को लेकर अभी चाइना को मिर्ची लग रही है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर, आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि अभी भारत की तरफ से लगभग 400 से ज्यादा अस्त्र मिसाइल के ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनको आने वाले 4 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और अभी फिलहाल हमारे पास जो सुखोई एयरक्राफ्ट है उनमें अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसी साल के अंदर ही तेजस और MiG-29 में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बातचीत की गई थी। अभी बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से अभी MiG-29 में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना शुरू किया जा रहा है और सबसे पहले इनको इंडियन नेवी के MiG-29 में इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि जो MiG-29 के वर्जन होंगे सबसे पहले उनको उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद जाके इसको इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 UPG में इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी के लिए तेजस में भी इनिशियली अस्त्र मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें फायरिंग ट्रायल तो नहीं किया गया था लेकिन डमी सेपरेशन ट्रायल को सफलता के साथ किया जा चुका है, जिसमें बाद में इसे कैप्टिव ट्रायल को शुरू करने की बात की गई है। और HAL के मुताबिक वो अभी फेज वाइज मैनर में तेजस से लेके MiG-29 में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाले, जो कि आगे चल के हमारे रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल को रिप्लेस करने वाले। अगला अपडेट तेजस को लेके, जैसे कि हमने पहले भी ये कहा था कि तेजस को लेके आज 2 अपडेट होने वाले हैं और अभी हम फिर से तेजस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली बार हमने तेजस को लेके एक नेगेटिव खबर के बारे में बात किया था और अभी हम तेजस को लेके एक पॉजिटिव खबर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर सामने आया था कि भारत अभी इजिप्ट में भी तेजस को ऑफर कर रहा है और इजिप्ट को तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन यानी कि लिफ्ट वर्जन को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। अब HAL की तरफ से अभी तेजस को मिडिल ईस्ट कंट्री के अलावा धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग किया जा रहा है और तेजस की इस बढ़ती हुई पॉपुलरिटी को देखते हुए इसकी हेटर्स की अलग अलग छेदों से आग निकलना शुरू हो चुका है। अभी तक चाहे मलेशिया हो जाए, अर्जेंटीना हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इनमें से किसी की तरफ से भी लार्जर अमाउंट में तेजस के लिए ऑर्डर प्लेस करने की बात नहीं की गई है और उनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मलेशिया 18 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है, अर्जेंटीना 12 से 16 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर वो तेजस को खरीदते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 30 के आसपास है, लेकिन इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट यहाँ पर 70 से 80 के आसपास तेजस को खरीद सकता है, जिस वजह से HAL अभी इस डील पर काफी फोकस करने वाला है। इसमें इजिप्ट का ये कंसर्न है कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से अभी रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस को लगाए जा चुके हैं, जिस वजह से वो रशियन सिस्टम को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और उनका यह कहना है कि अगर तेजस में कोई रशियन सिस्टम मौजूद है तो ये उनके लिए आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिस पर भारत की तरफ से अभी क्लैरिफाई किया गया कि इसमें इजिप्ट को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेजस में कोई भी रशियन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और अभी भारत इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी इजिप्ट को करने का ऑफर दे रहा है, जो कि आगे चल के पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में तेजस की एक्सपोर्ट और मेंटेनेंस फैसिलिटी बन सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।